पूरा वीडियो आने के लिए थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम से यहाँ पे, और अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे आए हो तो इंस्टाग्राम पे जाइए वहां से देखिए। ओके सो बेसिकली देखो, ये है नॉर्मली एक 52 डेज 60 डेज 2.5 मंथ 3 मंथ्स के पपीज। ओके इसको अंदर रखना पड़ेगा वरना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके सो आपको मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे आप आपके पपीज जो है, जैसे अभी ये जो छोटे पपी है ठीक है, अभी जैसे उसको टिफिन का इशू हो रहा तो केज चल रहा है, तो नॉर्मली देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जो एज होता है ना पपी का कोई भी ट्रेनिंग के लिए, जैसे पकड़ो आपके बेसिक कमांड्स हो या कोई भी कमांड्स हो, तो उसके लिए कमांड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा डॉग एडॉप्शन के लिए जाते हैं, लेते हैं लोग एंड देन उसको सेल कर देते हैं या अडॉप्ट कर देते हैं किसी को फ्री में दे देते हैं, बिकॉज दे गेट पिस्ड ऑफ द टॉयलेट इशूज एंड पॉटी इशूज एंड बाइटिंग एवरीवेयर ईच एंड एवरी वन फ्रॉम योर होम। सो ये इशू आपको सॉल्व करना अर्ली एज पॉसिबल ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी कमांड्स आपको हेल्प नहीं करते, सिट डाउन स्टे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या सम हाउ दे कैन हेल्प यू, बट आपको सोर्स में प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, सोर्स में चीज़ें समझनी पड़ेंगी, डॉग साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, आपको कैसे डॉग के प्रॉब्लम सोर्स में समझ के सॉल्व करें एंड क्या उनका कम्युनिकेशन स्किल होता है वो सीखना पड़ेगा। तो डॉग का एज तो मैटर ही नहीं करता है ओके आपके ट्रेनिंग के लिए। ओके सो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको कोई नॉर्मल ट्रेनर को बुलाना है अपार्ट फ्रॉम अस, तो देखो एट अर्लीस्ट पॉसिबल आप उसका टॉयलेट ट्रेनिंग एंड जो बाइटिंग इश्यूज है वो आप सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है, पेशेंस इज द की। आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे आपने सोच लिया मैंने ट्रेनर बुला लिया एंड अभी वो आज उसने कुछ किया एंड कल से अभी वो वॉशरूम में शुरू करेगा, तो ये प्रोसेस नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी मच पंक्चुअल, वेरी मच कन्फर्म अबाउट द ट्रेनिंग ऑल्सो। आपको भी उतना एफर्ट देना पड़ेगा, ट्रेनर आपको सिर्फ दिखाएगा कराएगा, उसके पूरा दिन तो आप ही घर पे रहने वाले हो, तो आपको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी। समटाइम्स यू माइट गेट सक्सेस, समटाइम यू मे नॉट, तो ट्रेनर के ऊपर आपको चिल्लाना नहीं है, भड़कना नहीं, गैर नहीं हो रहा कोई भी कहीं का भी ट्रेनर हो। ओके सो ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके सेकेंड चीज़ यहाँ पे आती है आपका जो बाइटिंग इश्यूज है, तो उसके तीन रीजन होते हैं, एक टीथिंग होता है, एक एक्सरसाइज के लिए करते हैं, एक लैक ऑफ कैल्शियम के लिए करते हैं जो वॉल वगैरह करते हैं। सो इन सारों में आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्यों करना है। आपको ये जज करके ही नहीं चलना है, ये पकड़ के नहीं चलना है, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं कि मेरा पपी को मैंने ट्रेनिंग दे दिया डॉग ट्रेनिंग अब वो बाइट करना ही छोड़ दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उनके दांत जो है वो गिरने वाले हैं, तो उनको दांत को जो होता है, हम मराठी में कहते हैं कि दांत शिवशिव ने, इंग्लिश में उसको जो टीथिंग इश्यूज कहते हैं वो कहते हैं। सो वो सॉल्व होते होते जब उसके दांत पूरे गिरेंगे नए आएंगे तभी वो इश्यू सॉल्व होगा। टिल देन यू कैन टेल देम वेयर टू बाइट वेयर टू नॉट, मतलब जैसे हाथ के पकड़ा है तो हाथ के साथ नहीं बाइटिंग करना है आपको, आप किसी चीज़ के साथ खेल सकते हो, तो वो कैसे सिखाना है। उसके बाद आपको कहीं पे पकड़ लो कोई आपका फ़ोन लेके भाग रहा है या कोई मतलब डॉग ही पपी आपका या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके तोड़ रहा है, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि इसको नहीं करना है, तुझे इसके साथ खेलना है। अभी ये मराठी में या हिंदी में बात करके नहीं समझाना है, समझाने का पीछे का मतलब मेरा ट्रेनिंग से। ओके सो ट्रेनर्स विल हेल्प यू, जहाँ के भी ट्रेनर है उनको ये दो ही चीज़ बताना, एंड अर्लीस्ट पॉसिबल का मतलब ये नहीं कि आप पपी को बाहर लेके जाओगे टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाओगे, ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ठीक है, वरना कुछ मिसकंसेप्शन करोगे फिर मेरे पास आओगे ओके, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा ना मेरे लिए सही होगा, सो ना पपी के लिए सही होगा। सो एक बार प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, 2.5 मंथ्स या दो महीने में या डेढ़ महीने में जब भी आपके पास पपी आता है ओके, नॉर्मली 45 डेज का लिया जाता है तब से आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो टॉयलेट ट्रेनिंग एंड बाइटिंग। अभी आप ये जो दो पपीज देख रहे हो जो यहाँ पे सोए हैं ओके, तो एक जो है वो है मेरे चेंबूर के क्लाइंट का, ये मैं सेलिंग नहीं करता हूँ ओके, ये मेरे चेंबूर के क्लाइंट का है। हाँ बट अगर आपको पपी चाहिए तो मैं उसमें आपके हेल्प जरूर कर सकता हूँ। सो चेंबूर के क्लाइंट का है जो ब्राउन वाला पपी है, एंड ये ब्लैक वाला है जो मेरे ठाणे के क्लाइंट का ओके। मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग देता हूँ, अभी के लिए ये जो दो डॉग्स है ये यही के हैं। सो जो ब्राउन वाला पपी है उसको पी पैड का ट्रेनिंग चाहिए उनके क्लाइंट को, कि पी पैड पे जाके सुसु करे पॉटी करे, बिकॉज वॉशरूम थोड़ा हाइजेनिक नहीं होता। और जो ब्लैक वाला है उनके क्लाइंट को चाहिए कि मेरा पपी वॉशरूम में जाके
सारे वैक्सीन होने के बाद आप उसको बाहर लेके जाके कर सकते हो ट्रेन, ओके। एंड रही बात आपके अदर बेसिक ट्रेनिंग की कि जैसे कमांड से वगैरह बाकी सारे, वो आप 2.5 महीने से स्टार्ट कर सकते हो, सीट डाउन स्टे शेक हैंड एंड ही, थोड़ा सा छोटा सा लेवल पे हील आपको फॉलो करना एंड उसका नाम इंट्रोड्यूस करना, ये सारी 4-5 चीज़ें आप स्टार्टिंग में उसको सिखा सकते हो। रही बात एडवांस कमांड्स की, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेक इट, स्पिन, एक्ट लाइक डेड, सल्यूट, नमस्कार, ये सीखने के लिए पपी कैज ऑलमोस्ट लाइक 4.5 से लेकर 7, 8, 9 कोई कोई केस में 12 महीने के बिट ऑफ सीखते हैं, बट बेस्ट एज इज लाइक 4.5 to 7, ओके, ये बेस्ट एज, ओके। सो आई होप आपको काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, अगर मिला है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करना एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि ऐसे बड़े वीडियो में काफी कम बनाता हूँ, आपको नहीं पता है अभी ये वीडियो बनाते टाइम भी मुझे बहुत बार रीटेक लेने पड़े क्योंकि डॉग्स भाग कर रहे थे। सो प्लीज एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी और चीजें करने के लिए।